हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दुर्गेश पाल और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लिख के आया हूं कि आरसीएम का सेल्स आप GSTR 1 और GSTR 3 भी में कहां पे दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल माई CACS सर्विस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आप पाएंगे GST, इनकम टैक्स, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप GST का लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। ये तो सिंपल प्रोसेस है जो आप सभी लोगों को पता ही है। आपका पर्टिकुलर क्वार्टर सेलेक्ट करना है। अभी मैं फोर्थ क्वार्टर का मार्च मंथ का रिटर्न मुझे डालना है। जो मेरे क्लाइंट है वो सिक्योरिटी सर्विस वाला है जिसे RCM एप्लीकेबल होता है। ये ऐसे ऐसे सर्विस रिसीवर को सर्विस प्रोवाइड करता है जो कंपनी है जो RCM में वो लोग अप्लीकेबल होता है। चलिए शुरू करते हैं। GSTR 1 में आपका RCM का सेल्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो सेल्स है जिसमें सामने वाली पार्टी को GST भरना पड़ता है, आपको GST नहीं भरना पड़ता है, वो कहाँ दिखाएंगे? तो आपको वो दिखाना है टेबल नंबर 4A, 4B, 4C, 4B, 4A, 4B, 4C, 6B, 6C, B2B में। तो यहाँ पे कहाँ दिखाना, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारे इनवॉइसेस को पंच कर रखा है। आपको सिंपल यहाँ पे जाना है ऐड डिटेल पे। ऐड डिटेल पे आप जाएंगे तो आपके सामने ऐसा एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज टिक मार्क यहाँ पे लगाना है सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज में। ये ही है RCM का सेल्स। उसके बाद सिंपल जो आप रेगुलर इन्वॉइस डालते वैसे लिखना है GST नंबर, पार्टी का नेम, इनवॉइस नंबर, डेट। वो GST नंबर किस स्टेट का है, ये उत्तर प्रदेश का है और मेरे क्लाइंट महाराष्ट्र के हैं तो ये IGST इसमें लगेगा। सिंपल आप यहाँ जो भी परसेंटेज का वहाँ पे डालिए IGST अपने। इसमें आपको टैक्स पे नहीं करना है। आप RCM दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके 3B में वो नहीं आएगा टैक्स के कॉलम में। तो मैं बैक करता हूँ। तो ये आप समझ गए, रजिस्टर्ड हो आपको सारा सेल्स ऐसे ही डालना है, ठीक है। अब हो सकता है आपने ऐसी भी पार्टी को बेचा हो जिसमें टैक्स हो तो आपको उसमें नॉर्मल यहीं पे डालना है, RCM पे क्लिक नहीं करना है। तो ये हो गया GSTR 1 का, जहां पे आपको GSTR 1 में सेल्स हो करना है। सिंपल आपको क्लिक करना है, उसमें क्लिक करने के बाद नॉर्मल डिटेल को फिल करना है तो ऐसा आपके सामने आएगा, राइट। तो ये हो गया दोस्तों आपका GSTR 1 में कहां शो करना है, राइट। तो दोस्तों आपको GSTR 1 में ये वाले कॉलम में आपको शो करना है। अब हो सकता है आप ऐसे ट्रेडर हो, ऐसे बिजनेसमैन हो, ऐसे सप्लायर हो कि आपके अब B2B रिवर्स चार्ज वाले को भी जाता है और अदर देन रिवर्स चार्ज को भी जाता है, तो दोनों को यहीं पे लिखना है। अब किसी को डाउट होगा कि सर यहाँ तो टैक्स आ रहा है तो वो टैक्स हमारे 3B में तो नहीं दिखेगा, पे तो नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपको एकदम सिंपल 3B में भी बता देता हूँ कि आपको कैसे बाइफरकेट करना है इनकेस आपका टैक्सीवल भी जाता है और RCM वाले को भी जाता है। RCM वाले में सामने वाले को टैक्स पे करना होता है, वो टैक्स पे करके उसका क्रेडिट तुरंत ले सकता है, राइट। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ दिखाना है कि मैंने RCM वाले को सप्लाई किया है, उसके बिल ये है। जैसे मेरे 6 बिल थे जो RCM वाले को सप्लाई किया था मैंने, कि 6 के 6 बिल यहाँ पे डाल दिए। अब बिना समय खराब करते हुए, समय को जाया करते हुए अपन चलते हैं GSTR 3B पे। अब वहाँ पे दोनों कंडीशन में आपको समझा दूंगा कि आपका प्योरली RCM को है तो कहाँ पे दिखाना है, और RCM भी है और नॉर्मल भी आप बेचते हो टैक्सीवल वाले को B2B तो कैसे करना है, राइट। तो आपको रिटर्न डैशबोर्ड में वापस से ले चलता हूं। क्वार्टर फोर पे ले चलता हूं आपको। तो दोस्तों अपन आ गए हैं GSTR, मैंने ऑलरेडी फाइल कर चुका हूं। मैं आपको एक स्मूथली और पेशेंटली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जो आपको समझ आएगा। ये 3.1 में आपको जाना है। यदि आप टैक्सेबल भी बेचते हैं जिसमें आपने टैक्स कलेक्ट किया जो भरना है, और ऐसे भी बेचते हैं जिसको RCM है, दोनों कॉम्बो है, तो आपको क्या करना है, जितना भी आपका टैक्सेबल वाला पार्ट है आप यहाँ शो, मतलब आपने वहाँ बिल चढ़ा दिया उसका टोटल आप यहाँ पे चढ़ा देंगे या ऑटोमेटिक भी यहाँ पे आ जाएगा वो, जब आप 1 फाइल कर चुके होंगे। मेरा भी यहाँ पे टैक्सेबल वाला कुछ भी नहीं था इसलिए नहीं आया, ऑटो फिल में मेरा खाली यहाँ पे आया। तो दो मेथड है, एक मेथड ऐसी होती है यदि आपका टैक्सेबल भी है और RCM भी है, तो RCM का नेट प्लस टैक्सेबल का नेट यहाँ लिखिए और जो टैक्सेबल का टैक्स है वही खाली यहाँ रखिए, RCM का टैक्स नहीं लिखिए और वो आएगा भी नहीं।
दूसरी मेथड ये होती है कि खाली टैक्सेबल आप यहाँ लिखिए, जो आपने वन में भी टैक्सेबल दिखाया और आरसीएम में जो वन दिखाया वो यहाँ पे लिखिए। तो जो आरसीएम वाला होता है वो नेट अमाउंट होता है। एक कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जो टोटल इनवॉइस वैल्यू कौन सी लिखना है, तो आपको नेट वाली लिखना है, उसी में टैक्स कैलकुलेट होगा और सामने वाले को भरना होगा। तो अपने लिए दो मेथड है, एक तो ये है कि कॉम्बो, इसमें आरसीएम प्लस अदर देन आरसीएम मतलब रेगुलर टैक्सेबल वाला भी यही लिखना है, टैक्स सिर्फ रेगुलर वाले का लिखना है और यहाँ पे नेट अमाउंट आएगा, वो नहीं है प्योरली आपका आरसीएम वाला है तो आपको सी कॉलम में लिखना है, सी कॉलम में टोटल नेट वैल्यू लिखना है, जो इनवॉइस वैल्यू वो लिखना है राइट, जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता है। तो ये सिंपल प्रोसेस है, इसके माध्यम से आप आरसीएम वाला सेल्स 3B और 1 में कैसे दे सकते, ये अपने कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच।